शादी हाल की जो मालियत है वो पूरे 10 करोड़ रुपए है, इससे एक तेरी शादी होनी नहीं। बस ये क्या बात कर, चेक करो यार साडा गार्ड ही सुता पे। तेरा कैमरे में भाई दिखाओ तेरा चेक। मैं तो बाला। अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद करता हूँ सारे खैरियत से होंगे। खुश आमदीद मेरे इस नए व्लॉग में। आज ही मैं आपको दिखाऊंगा अपना शादी हाल, साथ मेरा दोस्त है दानिश जो कि इस व्लॉग में शेरा का रोल प्ले करेगा। भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार मजाक हो रहा है। इंशाल्लाह आपको मजा आएगा, तो चले चलते हैं, मैं आपका वक्त जाया नहीं करता। ये लो पकड़ो जी शेरा चाबी, निकालो मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल नहीं रानी निकालो अपनी। शेरा चलते हैं आगे, लेट हुए पड़े हैं। मैंने तो बाला बॉस नु छड़ के जा रहे हैं। चल जा रहे हैं, शेरा मेरे साथ है, हम शादी हाल जा रहे हैं। मैं आगे बाकी आपको जाके शादी हाल दिखाता हूँ। शेरा कैमरे में भाई दिखाओ शेरा चेक करे, शेरा का दरअसल जी लग रहा है रोजा, तो हम भाई टाइम आपका जाया नहीं करते हैं, चले चलते हैं, मैं आपको शादी हाल विजिट कराता हूँ। शहर मंडी फैजाबाद आ गए हैं। मंडी फैजाबाद से ना थोड़ा ही दूर हमारा शादी हाल है, हाफिज मैरिज हॉल, बिल्कुल ना ये मिर्जापुर जो थाना है उसके बिल्कुल पास है, तो हम उसके करीब आ गए हैं। तो आप इसकी भाई हालत चेक कर सकते हैं रोजे के साथ इसकी क्या हालत हुई पड़ी है। तो हम भी पहुंचने वाले हैं शादी हाल, तो मैं आपको अपना शादी हाल दिखाता हूँ। शादी हाल आ गए हैं, शेरा हमारे साथ है, वीडियो हमारी शेरा बना रहा है, तो मैं शेरा से पहले पूछ लूँ, शेरा व्यूवर्स को शादी हाल दिखा दे जी बॉस, दिखा दे शेरा, बाकी व्यूवर्स को शादी हाल दिखा दे जी बॉस, दिखा दे। मैं फिर पूछ रहा हूँ दिखा दे यार, तू वहां ना है वहां नहीं तो मैं चला। शेरा नाराज ना हो मेरे साथ, आओ इन्हें अपना शादी हाल विजिट कराते हैं। चेक करो यार साडा गार्ड ही सुता पिया बाबा जी, बाबा जी आप इंज हेलो करो, इंज करो इत कर चोर पै जाते की होएगा। चेक करें ये हमारा माशाल्लाह शादी हाल है सारा, हमने इस पे काफी मेहनत की है, ये 2-3 साल का हमारा जी हमने मेहनत की है इस पे, मेरे बाबा खुद बैठ के एक एक चीज उन्होंने बनवाई है। ये चेक करें, ये बीच में जो झूमर लगे हुए हैं ये कुछ का मसला है मेरे ख्याल से, या फिर वो मैनेजर ने चलाए नहीं है, मैंने सोचा तो था सारी लाइटें चला दे। तो ये साइडों पर भी आप क्या, अभी इसका काम होने वाला है, ये सारी सीलिंग हुई है, साइडों पर भी कपड़ा शपड़ा लगा हुआ है, और नीचे भी हमने ये टाइल शाइल तो नहीं लगाई पर ये पत्थर ही है, ये भी टाइल में ही आता है। तो अभी मैं आपको स्टेज पे भी दिखाता हूँ जिसपे जी हर किसी की बैठने की चाहत होती है शादी, क्योंकि हर किसी की भाईजान ख्वाहिश होती है शादी करे। तो मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं उनकी भाईजान शादियाँ हमारे हाल में अगर हुई वो हमारे हाल में करवाएंगे तो उन्हें जी हम 50% ऑफ देंगे। मेरा वैसे तेरे से मैं बात करूँ जी बॉस, यार बाकी जो व्यूअर्स हैं उन्हें तो 50% मैं दूंगा, तेरी शादी अगर इधर हुई ना तो तुझे मैं सारा ही 100% लेस कर दूंगा। उसकी वजह वाला क्यों, क्यों मैं पहला क्यों तुझे इतनी दे रहा हूँ लेस, क्यों, क्योंकि तेरी शादी होनी नहीं। बस ये क्या बात कर चलाओ भी अब स्टेज दिखाते हैं यार, ये आप देख सकते हैं वीडियो मेरी कितनी VIP आ रही है। उसे मैंने कहा भी था वो झूमर चला दो पर उसने नहीं चलाए। अच्छा पर ये चेक करें, ये स्टेज है, ये नीचे सारे इन्होंने कपड़े रखे हुए हैं धो के, क्योंकि फिलहाल फंक्शन नहीं है शादी हाल, रमजान है तो धंधा हमारा बंद हुआ पड़ा है। अच्छा तो इसलिए ना ये सारे इन्होंने ना धो शो के रखे हुए हैं। तो ये स्टेज है जिसपे जी पता नहीं हमने कितने को जो है ना बकरे वो हलाल किए हैं, समझ रहे हो, समझ रहे हो, स्टेज पे बैठा के। तो आप चेक करें नीचे भी टाइल शाइल लगी हुई है, ये माशाल्लाह काफी प्यारा लगा हुआ है, ये सारा जूम मारो हाँ, इसकी लेंथ भी हमारे शादी हाल की ना काफी मतलब बड़ी है, इसमें अगर एक ही टाइम पे अगर 1200-1500 बंदों का ना आराम से अरेंज हो जाता है। तो मैं पीछे आपको किचन दिखाता हूँ, किचन का हमारा काम अभी होने वाला है, तो आओ शेरा हम इन्हें किचन दिखाते हैं। ओके बॉस आ जाए शेरा, ये जी हमारा शादी हाल का जो है किचन है सारा, यहाँ जी देगे वगैरह पकती हैं, ये साइड पे देखें, पहले तो हम गैस पे सारा काम करते थे पर आहिस्ता आहिस्ता ना हमने ये सारा ये भी सारा सिस्टम बना लिया है, ये साइड पे ये भी पार्किंग है और बाहर भी सारी पार्किंग है। तो ये सारा किचन शिचन है, यहाँ पीछे बर्तन वगैरह धोते हैं, तो शेरा की भी शादी हम इधर करेंगे। वो जी शेरा दिखाओ वाशरूम है, तो ये साइड पे वाशरूम बनाया हुआ है लेडीज़ और जेंट्स। तो आगे आए मैं आगे आपको मजीद इसका ना वो दिखाता हूँ, ऑफिस दिखाता हूँ, मेन ऑफिस जहाँ बैठ के डील करते हैं और जहाँ जी शेरा की दुल्हन ने भी बैठना है फ्यूचर में।
मैं आपको वो भी कमरा दिखाता हूँ आगे। से गुजारिश है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी दबाएं, क्योंकि आपका तो टाइम नहीं लगता, ना आपकी मेहनत लगती है सब्सक्राइब करने में, हमारे लिए वो हौसला अफजाई होती है, तो लाजमी किया करें। तो इंशाल्लाह मजीद आपको इंटरेस्टिंग और अच्छे व्लॉग देखने को मिलेंगे इस चैनल पे। तो मैं आपको अपना ना दिखाता हूँ ऑफिस, आप मेरे साथ। ये जी मेरे पीछे है, ये दुल्हन रूम है जहाँ की दुल्हन आके तैयार होती है। ये हमने तीन इसलिए बनाए हुए हैं क्योंकि शेरा की हमने इकट्ठी तीन करनी है। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। ये जी रेस्ट रूम है दुल्हन का, तो मैं आपको ऑफिस दिखाता हूँ, आप मेरे साथ आए। शादी हाल के मैनेजर भी हैं और इन्होंने बड़ा अच्छा मतलब सारा अरेंज किया हुआ है, तजर्बा भी बड़ा अच्छा है। तो आवाम को ना थोड़ा सा बता दे अपने शादी हाल की लोकेशन का, मतलब किस जगह पे है, और दूसरा ना इस पे कितनी आवाम एक साथ आ सकती है, वो थोड़ा सा गाइड कर दे। बिल्कुल जी, अस्सलाम वालेकुम जी। मंडी फैजाबाद, तो पहले मंडी फैजाबाद थाने के साथ अटक पंप है, अटक पंप के साथ आफज मैच से शादी हाल जी। तो इंशाल्लाह ख्याल करे जी, 1000 बंदे की गुंजाइश है साढ़े को जी, साढ़ा खाने का म्यार जी, तो अच्छा खिलाक है जी। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। इंशाल्लाह असी को टाइम दी, साडी ज्यादा पाबंदी असी नहीं करते, ना ही लाइटिंग बंद करते हैं। चलो मेहरबानी, आप पढ़े नमाज। तो बाकी ये बात इन्होंने सही कही है कि अगर यहाँ कोई फंक्शन होता भी है तो हम मिसाल किसी के साथ जल्दी नहीं करते कि यार लाइटें बंद करो, ऐसे करो वैसे करो, क्योंकि सारे प्यार वाले लोग आते हैं हमारे। ये जी हमारा मेन ऑफिस है शादी हाल का, ये आप देख सकते हैं जहाँ हम बैठ के डील करते हैं। थोड़ा सा पीछे से मतलब नामुकम्मल है किचन का, हमें सामान यहाँ रखा हुआ साइड पे, और ये भी सामने टीवीसी भी लगाया हुआ है, तो ये आप इसका व्यू भी चेक करें जो बाहर से भी। ये हमारे शादी हाल की सारी पार्किंग है, यहाँ भी तकरीबन काफी गाड़ियाँ खड़ी हो जाती हैं, ये भी मेन मतलब पार्किंग है। यहाँ अक्सर हमारी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, पर अगर बाहर जगह ना हो तो हम इजाजत दे देते हैं अंदर गाड़ियाँ लेके आने की। तो ये भी बाहर भी हमारी सारी पार्किंग है, ये मतलब लेफ्ट और राइट साइड पे भी ना काफी जगह है गाड़ियाँ खड़ी होने की। तो आ जाए थोड़ा सा ना बाहर से भी दिखाता हूँ इसका सारा व्यू ना, चेहरा बाहर से भी ना शादी हाल का, यहाँ से व्यू दिखाओ इन्हें। आला मैंने आपको सारा विजिट करा लिया है, अब आप अंदाजा लगाएं, मैं आपको बताता हूं इसकी मालियत कितनी है, पर पहले आप अंदाजा लगाएं कि इसकी टोटल मालियत जमीन और शादी हाल की मालियत कितनी है। तो मुझे उम्मीद है कि जब मैं आपको बताऊंगा आपका मुंह ऐसे बंद होगा, खुल जाएगा। अच्छा, तो मैं आपको बताता हूँ जी, टोटल शादी हाल की जो मालियत है वो पूरे 10 करोड़ रुपए है। इससे 1 करोड़ ऊपर नीचे हो जाएगा, तो अल्लाह ताला जी कामयाब करे सबको जो भी कारोबार कर रहे हैं, और बाकी सबको भाई रमजान के सदके अल्लाह ताला तंदुरुस्ती दे। तो घर चलते हैं, मैं आपको ना अफतारी भी अपनी दिखा। तो चलें शेरा, रानी निकालो, घर चलते हैं, जल्दी चलें जी, अफतारी का टाइम हो गया है, घर जाके जी अपनी अफतारी भी करनी है, तो मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम घर वापस आ गए, और माशाल्लाह अम्मी जान ने बहुत कुछ बनाया हुआ था, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें इतनी नेमतों से नवाजा है, हमें जी हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। मैंने थोड़ी सी जी मैक्रोनी डाली और सैंडविच लिए और थोड़ा सा फ्रूट चाट लिया, मैंने जी पहले ये खाया, नमाज पढ़ने के बाद वक्त हो गया खाने का, तो मैंने जी अपने भाई के साथ थोड़े से चावल चखे, चावल खाने के बाद जी मैंने थोड़ी सी रोटी खाई और अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा किया। उम्मीद करता हूँ जी आपको ये मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा, ताकि इसी तरह के इंटरेस्टिंग व्लॉग आपको देखने को मिले। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।